everybody, here is me Larva Kamdo. आप देख रहे हैं Larva Kamdo channel. After 2 years मैं फिर से vlog कर रही हूँ and बहुत सारे reasons हैं जिसके कारण मैं नहीं कर पा रही थी, but अब सोच रही हूँ कि फिर से vlogging करना शुरू कर दूँ और ज़्यादा नहीं बहुत ही कम करके मैं vlog करना शुरू करूँगी, जैसे कि बहुत short and अभी मैं जा रही हूँ लेने. तो मैं निकल पड़ी खाने की खोज में, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि बहुत दिनों बाद मैं बाहर आई तो चलो अपना एक नॉस्टैल्जिक प्लेस चलते हैं. तो चलिए वही चलते हैं पहले. मैं पानी पूरी खाने निकली थी घर से. मैंने सोचा कि चलो KV1 को देख लेते. एक्चुअली मैंने मेरे प्रीवियस व्लॉग में मैंने बोला था कि मैं बहुत अच्छे से ही अपने KV का जो है व्लॉग करूंगी, बट समय नहीं मिल रहा तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा हाईलाइट ही फिर से दे देती हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको. ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगी. तो सबसे पहले अगर आपको याद हो, अगर आपके समय में ये रहा हो, तो ये हमारा कैंटीन हुआ करता था. यहाँ पे एक अंकल रहते थे जिनका पूरा टीम था जो हम लोगों को खिलाया करते थे कैंटीन पे. चाउमीन हुआ करता था. हम इस कैंटीन पे जो है टिफिन टाइम से पहले आ जाया करते थे. टिफिन टाइम से पहले आकर जो है हम टिफिन अपना खा लिया करते थे क्लास बंक करके. फिर ये हमारा प्लेग्राउंड, ये प्राइमरी का प्लेग्राउंड है अगर आपको याद हो तो. एंड ये जो पेड़ है ये बहुत पुराना है. वहाँ पेड़ के ठीक सामने पे नेचुरली चेयर जैसा निकला हुआ है. तो जो भी प्राइमरी के टीचर्स फ्रॉम क्लास 1 to 5 गेम्स पे लेकर आते थे तो वो वही बैठकर जो है हमें गेम्स खिलवाते थे. ये है हमारा प्राइमरी का सेक्शन पूरा, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी. पहले व्लॉग्स पे भी मैंने बताया था. तो ये जो स्कूल है, ये छोटा सा जो प्राइमरी सेक्शन है क्लास 1 से लेकर 3 तक है यहाँ पे. टू बी ऑनेस्ट, मैं जब यहाँ आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पे, नहीं पढ़ना. ये है क्लास 1B, यहाँ से मैंने शुरुआत की थी. क्लास 1B बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है. यहाँ पे मैंने मम्मा को बोला था कि मुझे नहीं पढ़ना है, फिर भी अब बहुत ज़्यादा याद आती है. ये जो है ये हमारा हाउस बोर्ड है. ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से जाकर एंड देन राइट साइड है. ये लॉक्ड है. पहले ये कुछ लॉक्ड नहीं हुआ करता था, ये सब ओपन हुआ करता था, बट अब लॉक्ड है. एंड यहाँ पे पानी फैसिलिटी भी दी गई है, पहले नहीं हुआ करती थी. तो बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी है. सारा हमारा प्लेग्राउंड है, यहाँ पे हम फुटबॉल खेला करते थे, हमारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट हुआ करता था. अब हम यहाँ से ऐसे राउंड करके जा सकते हैं. ये जो सीढ़ी है, यहाँ पे बैठकर जो है हम अपने जो टीम है, अगर फुटबॉल होता था तो हम अपने टीम को जो है चेयर अप करते थे. वो सारा पूरा टीचर्स क्वार्टर है. वॉलीबॉल एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे जो भी लगा हुआ है, ये सब पहले यहाँ नहीं हुआ करता था, ये कुछ नहीं हुआ करता था. तो जैसे ही हम यहाँ से निकले, उसके बाद ये जिम का जो सेक्शन है वो यहाँ पे फिट अप करा दिया गया है. यहाँ पे पहले कुछ नहीं हुआ करता था, ये प्लेन था. एंड यहाँ पे हम बास्केटबॉल खेला करते थे. जब भी हमें छुट्टी मिलती थी तो हमारा यहाँ पे बास्केटबॉल खेलना होता था. यहाँ पर हम बैडमिंटन खेला करते थे. यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं शायद, इसीलिए ये ऐसा है. बट यहाँ भी खेलने कूदने की जगह थी सारा.
एंड सबसे अजीब बात है, बेचमेट्स को याद होगा ये जो एरिया है, यहाँ पे हम आकर जब हम थोड़े बड़े हो गए थे, व्हेन वी वर इन क्लास 9 or 10 आई गेस, तो हम सब मिलकर जो है वहाँ बैठकर गप्पे मारा करते थे बहुत ही ज़्यादा। एंड रोज़ का था, हम वहाँ जाकर गप्पे मारते थे। यही वो वे है जहाँ से हम गेम्स के लिए आया करते थे। हम सीधा ग्राउंड की ओर, हमने वहाँ से शुरुआत की थी जाना, और हम घूम कर आ गए क्योंकि स्कूल बंद है। ये लॉक तो नहीं है बट बंद है, तो विदाउट परमिशन जाना आएगा सही नहीं रहेगा। तो वो जो है हमारा स्टेज है, एंड यहाँ पे हमारा असेंबली हुआ करता था। यहाँ पे नोटिस वगैरह दे देते थे टीचर्स। यहाँ ये हमारा स्टाफ रूम है। चलते अपने घर की ओर। बहुत ही ज्यादा यादें ताजा हो गई, बहुत ही ज्यादा। आई जस्ट लव दिस प्लेस। चलो चलते हैं पानीपुरी लेने। बहुतों को पता होगा ये नाहरलगन का सबसे बेस्ट पॉइंट है पानीपुरी लेने का। हमको 100 का पैक कर दीजिए ना। हाँ, नाहरलगन का बेस्ट पानीपुरी एवर अगर आपको खाना है तो आपको यही आना पड़ेगा ना भैया। एक बार भैया दिखा दीजिए, सबसे बेस्ट पानीपुरी यही भैया के पास में मिलता है, तो प्लीज आइए। और फिलहाल के लिए मैं 100 rupees का ले रही हूँ। सबसे ज्यादा बेस्ट बात ये है कि भैया के यहाँ पे जो है स्कैन भी होता है, तो आप ऑनलाइन भी खा सकते हो। या बोल दीजिए आपके पास खाने को। तो सुना है ना आपने, आइए। और सबसे बेस्ट यही भैया के पास में मिलता है, और भैया आपको हमेशा यही एरिया पे मिलेंगे। जे एक्सटेंशन का जो रोड है, मैंने जो आपको बताया था, वहीं पे आने के बाद में आप खा सकते हैं। मेरे को मेरा पानी पूरी मिल गया है, तो अब घर चलकर हम खाते हैं। भैया ने एक्स्ट्रा पानी पूरी भी दिया है। जस्ट अभी मैं पहुंची, मैंने फ्रेश अप करा और मैं अब खाने के लिए बैठी हुई हूँ अपना पानी पूरी। एंड चलिए साथ में खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा बाहर, मैंने सोचा ही नहीं था इतना, मतलब धूप जो है ढलने के बाद भी इतना ज़्यादा। पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, बट एज यू कैन सी स्वेट है। एनीवेज चलिए खाते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।